हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी ऑल इन पिंक सिटी गार्डन। आपके सामने आज हमारा टॉपिक जो है वो है तुलसी प्लांट का। तो फ्रेंड्स, आज हम तुलसी प्लांट की बात करेंगे क्योंकि गर्मियां बहुत हैं इस गर्मी में, और बहुत ज़्यादा ठंड जब आती है तो तुलसी प्लांट्स लोगों के मर जाते हैं। लोगों की बहुत क्वेरीज होती है कि हमारे तुलसी प्लांट जो हैं वो बहुत गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंड में क्यों मर जाते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, तुलसी प्लांट जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होती है श्यामा तुलसी, एक होती है राम तुलसी, और एक होती है वना तुलसी, एक होती है कपूर तुलसी। मेरी ये वाली जो तुलसी है वो वना तुलसी है। मेरे पास कृष्णा तुलसी भी है, कृष्णा और श्यामा एक ही होती हैं, और मेरे पास रामा तुलसी भी है, मेरे पास कपूर तुलसी नहीं है। तो मेरे पास 3 वैरायटी की तुलसियाँ हैं, और मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया गया है कि तुलसी का प्लांट जो है ये देखिए ऐसे ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, और लोग होना क्या चाहिए कि बुशी होना चाहिए, मतलब ये इसकी जो है साइड से पूरे गमले को ये भर दे, इस तरह होना चाहिए। लेकिन ये ऊंचा चाहता है, तो इसके लिए जैसे मैंने इसकी ये ऊपर से इसका टॉप जो है वो तोड़ दिया है, ताकि अब ये जो है साइड से इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, ऊपर से नहीं जाएगा ये। तो ये वही आपकी 3G कटिंग हो गई जो हम करते हैं। मैं सारे ऑलमोस्ट अपने प्लांट्स पे करती हूँ, और इसके जो ऊपर के सीड्स निकलते हैं उससे मैंने ये देखी नीचे गमले में कितनी सारी तुलसा जो है उगा दी है। ये देखिए कितनी सारी तुलसा लगी है, ये देखिए इसमें मैंने ग्रो कर रखी है, और ये इसमें ये रही, ये आप इसको किसी में भी छोटे कप में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इस कप में भी बहुत अच्छी चल रही है। तो इसका यही है कि आप इसको छोटी जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ तुलसा प्लांट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एरोगेरिया का प्लांट है, जिसमें ये मैंने इसके साइड में भी जिसके बीज जो हैं छिड़क दिए थे, और ये यहाँ पे भी ग्रो कर रही है। ये देखिए यहाँ पर भी ये कुछ जो हैं सदाबहार के हैं, और ये बीच बीच में तुलसी भी उग रही है जब, और इनका भी मैं जो टॉप है वो हटा दूँगी। और राम 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 राम, जब भी इसको तुलसा को आप तोड़ते हैं पत्ते तो राम का नाम ज़रूर लीजिए। इनको भी तो इस तरह से ये ऊँची नहीं जाएंगी और साइड से फैलेंगी। तो इसकी केयर की, इतनी गर्मी में इसकी क्या केयर करें वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम हो रही हो तो सॉरी, क्योंकि मेरा घर रोड पर पड़ता है और ये जो है मेन गेट के पास में, क्योंकि तुलसी के प्लांट को हमेशा आंगन में मेन गेट के पास में रखिए, ताकि आपका आंगन जो है वो खुशियों से, और साइंस के उस रीज़न से भी बताया जाता है कि तुलसी अगर घर के दरवाजे पे रहे, आंगन में रहे, तो बहुत एटमोसफेयर को शुद्ध बना देती है और पॉजिटिविटी लाती है ये। तो इसकी केयर की बात करें, पहले तो मैं इसकी मिट्टी की बात करती हूँ। मिट्टी जो है भुरभुरी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। ये देखिए मेरी मिट्टी है, तो इसकी भी वो जैसे मिट्टी हम बनाते हैं वैसे ही। लेकिन ये तुलसा का प्लांट है, मैं आपको डियर इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी, तुलसा को हम माता का दर्जा देते हैं। तो माता का दर्जा हम देते हैं तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। उस साइड क्या बहुत शोर हो रहा था, शायद आवाज़ सुनने में दिक्कत हो, तो मैं इसको कप वाली तुलसी को इधर उठा कर ले आई, और इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिट्टी जो है मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, इसके लिए मिट्टी हार्ड ना हो, बस इतना ही ध्यान रखना है। और तुलसी को हम भगवान का दर्जा देते हैं, तुलसी माता का दर्जा देते हैं, इसलिए बस कोशिश ये करते हैं कि जैसे हम और गमले की मिट्टी में हम जो खाते हैं उसके छिलके डाल देते हैं ताकि वो जो है डीकम्पोज्ड होकर खाद बनती रहे, इसमें हमें ये नहीं करना, क्योंकि इसमें हम कुछ भी झूठा नहीं डालेंगे। तो आप जो भी है मिट्टी है, या फिर आपकी जो आपके कंपोस्ट बन चुकी है अच्छी तरह से, वो आप इसमें मिला सकते हैं, सेंड मिला सकते हैं, कोकोपेट मिला सकते हैं, लेकिन केले के छिलके ये सब हमें, जैसे मैं औरों के लिए बोलती हूँ कि आप उसमें डाल दीजिए, इसमें नहीं डालना, क्योंकि वो सब हमारा खाया हुआ होता है और झूठा होता है। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी धूप की। तो इसको वही मॉर्निंग इवनिंग की धूप
आप दीजिए और दोपहर की धूप से इसको बचाइए, उससे आपका पौधा मर सकता है। एंड मतलब इसको छाया में रख दीजिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में दीजिए, सीधी इस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। सुबह शाम की धूप इसे ज़रूर दें, उससे आपका प्लांट जो है अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉली बेसिल, और संस्कृत में हम इसको अमृता भी बोलते हैं, और इसको वृंदा भी बोला जाता है, और हिंदी में हम इसको तुलसा बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं और मैंने आपको बता ही दिया इसकी चार पांच वैरायटी होती हैं। और अब इसके गुणों की बात करते हैं, इसमें जो तुलसा में जो बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, मेरे ख्याल से आयुर्वेद में कोई दवाई कोई काढ़ा ऐसा बनता होगा जिसमें तुलसा ना डले, कोई काढ़ा ऐसा नहीं डलता, चाहे वो मलेरिया के लिए हो, चाहे वो टाइफाइड के लिए हो, चाहे वो खांसी कफ के लिए हो, जुकाम के लिए हो, छोटे बच्चे के लिए। छोटे बच्चे को पैदा होते ही तो दवाई दे नहीं सकते, अगर उसके पेट में कोई प्रॉब्लम है, उसको जुकाम लग गया कुछ, तो हम क्या करते हैं, तुलसी के रस को शहद में मिला के उसे चटा देते हैं, या पानी गर्म करके तुलसी की गुट्टी दे देते हैं। हमारी मम्मी दादी तो यही करती हैं, तो हम ऐसा ही करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई मेडिकल पर्पस से इसका इतना यूज़ है फ्रेंड्स कि इसके फ़ायदे से मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इसको नहीं जानता, और कोई धन का लोग नहीं होगा जो इसका यूज़ नहीं करता हो। हर कोई इसको धर्म के पर्पस से ना जोड़े, कि आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप अपने तुलसा के घर में रखिए। अगर धर्म के रीज़न से नहीं तो साइंस रीज़न से ही आप इसको रख लीजिए, लेकिन तुलसा को अपने घर में ज़रूर ग्रो कीजिए। इससे घर आंगन महकता रहता है। हम हर शाम को हम घर के अंदर जो मंदिर में दिया करते ही करते हैं, हम तुलसी जी का भी दिया करते हैं, और हमेशा ये तुलसी माता से यही प्रे करते हैं कि हमारे घर आंगन को ऐसे ही खुशियों से महकाते रहना। और ये किसी तरह भी साइंस के रीज़न से भी, अगर आप धार्मिक नहीं है तो साइंस के रीज़न से भी गलत नहीं होता। तो ये दोनों रीज़न से ही आप चाहे किसी रीज़न को भी मान के इस प्लांट को घर में रखें, इस प्लांट को ज़रूर रखें, और मेडिकल पर्पज़ के लिए इसको बहुत यूज़ करें। कुछ लोग क्या करते हैं, बस ग्रो कर दिया, ठीक है तुलसा जी चल रही है, पानी डालो, पूजा करो, बस उसका कोई यूज़ नहीं करते। सर्दी है, चलो गर्मी में नहीं, सर्दियों में आप इसको चाय में, मतलब दिन में अगर आप दो चाय पीते हैं तो एक चाय में आप चार पांच पत्तियां डालकर अगर पी लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हम प्रसाद पूजा करते हैं तो हमें उसमें वो गंगा जल मिलाकर हमें अमृत तैयार कर लेना चाहिए, उसमें तुलसी जी के पत्ते डाल दें ताकि वो हम उसको जब चबाएँ तो हमारे बॉडी के अंदर तुलसी जी जाए और वो अपना असर दिखाए। तो बहुत रीज़न होते हैं तुलसा जी के ग्रो करने के, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बता दीजिए, और इसकी केयर मैंने आपको बता दी। मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए, पानी ठहरे नहीं, पानी मॉइस्ट कर ले, और झूठा ना डाले उसकी मिट्टी में कोई भी, मतलब बाकियों में तो मूँगफली खाई उसके छिलके फेंक दिए, ठीक है, क्योंकि वो खाद बनती रहती है, वो अच्छा ही होता है। और मल्चिंग करनी है तो लीव्स की कर दीजिए, ठीक है, लेकिन इसको दोपहर की धूप से आप बचाइए, सुबह शाम की धूप दीजिए, पानी इसको टाइम पे दीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी, और मिट्टी जो मॉइस्चर वाली होनी चाहिए। और इसके सीड से मेरे पास छत पर भी है, मेरे पास बाहर मेरी क्यारी में भी है, मेरे पास तुलसा के प्लांट बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरे पास तीन तरह की तुलसा अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसा जी के बारे में जो था मैंने वो आपको बता दिया, आप इसको ग्रो कीजिए और इसकी इस खास गर्मी में बहुत केयर कीजिए, वरना आपका तुलसा का प्लांट जो है मर भी सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको सर्वाइव करना इसका बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाता। तो आप इसको बेटर रहेगा नीचे रख दीजिए, मैंने भी नीचे रख रखा है, एक छत पर पड़ा है मेरा कृष्णा तुलसी, उसको भी मैंने छाया में किया है। ओके फ्रेंड्स, तो बाय, टेक केयर इतनी गर्मी में, मैं तो कहती हूँ टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।